السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله وحده والصلاة والسلام على من لا نبي بعده، أما بعد، فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الله يبدأ الخلق ثم يعيده ثم إليه ترجعون. ويوم تقوم الساعة يبلس المجرمون ولم يكن لهم من شركائهم شفعاء وكانوا بشركائهم كافرين. ويوم تقوم الساعة يومئذ يتفرقون. فأما الذين آمنوا وعملوا الصالحات فهم في روضة يحبرون، إلى آخر الآية. صدق الله العلي العظيم وصدق رسوله النبي الكريم ونحن على ذلك من الشاهدين والشاكرين. اللهم ألهمنا رشدنا وأعذنا من شرور أنفسنا. اللهم وفقنا لما تحب وترضى من القول والفعل والنية. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. آمين يا رب العالمين. मोहतरम हजरात, मुअज्जज़ सामईन, मिल्ली भाइयों, बुजुर्गों और दोस्तों, प्यारे बच्चों, तिलावत की हुई आयतें सूरह रूम 21वां पारा आयत नंबर 11 से लेकर 19 तक आज की गुफ्तगू का उन्वान है। सूरह रूम का ये दूसरा रुकू है और पारे का चौथा रुकू यहाँ पर खत्म हो रहा है। तस्करा चल रहा था ये कि जितने अंबिया आए, जब जब कौमों ने उनका मजाक उड़ाया तो उनका अंजाम बुरा हुआ। ये तस्करा पीछे से आ रहा है। जिन लोगों ने भी अल्लाह की आयतों की तकदीर की इस्तेहजा किया, उनका अंजाम बुरा हो। अब यहाँ से उसी से बरबूद है जुमला कि अल्लाह की ताकत को और अल्लाह की कुदरत को वो नहीं समझते। हालांकि इंसान की इब्तदा, जहाँ से इंसान शुरू हुआ, ये इब्तदा भी अल्लाह के दस्ते कुदरत से हुई और दोबारा फिर अल्लाह ऐसा पैदा करने पर कादिर है। जितने भी इंसान मरने के बाद दोबारा जिंदा होने को नहीं मानते, वो इसीलिए कि उनकी निगाह में ये चीज़ नहीं हो सकती। मरने के बाद मिट्टियाँ खा गई, आग खा गई, ज़मीन के अजला में इंसान मुंतशिर हो गया, अब दोबारा जिंदा कैसे हो सकता है, ये उसकी सोच। अल्लाह फरमाते हैं, पहली बार किसने पैदा किया था, बस दोबारा भी वही पैदा करेगा। जो पहली बार पैदा करने पर ताकत रखता है, दूसरी बार पैदा करना उसके लिए मुश्किल नहीं। यहाँ से मज़मून शुरू हो रहा है। अल्लाह यब्दउल खल्क, अल्लाह फाइल है, यब्दउ शुरू करता है, बनाता है, अल खल्क मखलूक को पहली बार उसी ने बनाना शुरू किया, सुम्मा फिर युईदु उसको दोहराएगा। जिस तरह एक बार तुम मुर्दा थे जिंदा किया, अब फिर तुम जब मुर्दा हो गए फिर जिंदा करेगा। यह है यादा, इसको यादा कर लें। सुम्मा इलैहि तुरजाउन, फिर तुम सब उसी की तरफ लौट कर जाओगे। कायनात में हम खुद से नहीं आए, हम खुद से यहाँ पर नहीं जीते, हमारी गजाएं खुद से नहीं मिलती। हमको वापस जाना है उस जात की तरफ जिसने हमको भेजा है, क्योंकि वहीं से आए हैं, वहीं जाना है, इसलिए तर्जमा किया है वापस जाना। सुम्मा इलैहि तुरजाउन, फिर तुम उसी की तरफ लौट कर जाओगे। लौटना कब बोलते हैं? लौटने का इस्तेमाल कब होता है? जब आदमी जहाँ से आया वहीं वापस जाए तो लौटना कहा जाता है। इंसान दुनिया में है, कहाँ से आया, इसको किसने भेजा, इसकी तख्लीक अल्लाह ने की है और फिर अल्लाह वापस बुलाएंगे, इसी वजह से उसको लौटना कहा। सुम्मा इलैहि
तुरजाउन, फिर तुम उसी की तरफ लौटाए जाओगे। अब वहां पर जब लौट कर जाएंगे तो दो फैसला होगा, दो किस्म के लोग होंगे, दो गरोह होंगे, दो जमातें होंगे। वयौमा तक़ूमु अस्साअ, और जिस दिन कायम होगी कयामत। अस्साअतु माने कयामत, कयामत क्या चीज है? अस्साअतु के माने वक्त, घड़ी। जिस दिन कयामत कायम होगी, यानी जिस दिन कयामत का वक्त होगा। युबलिसुल मुजरिमून, मुजरिम की जमा मुजरिमून है। युबलिसु मायूस हो जाएंगे, आस तोड़ बैठेंगे। जितने मुजरिम हैं, जब कयामत कायम होगी तो इनकी आस टूट जाएगी। क्यों टूट जाएगी? क्योंकि इन्होंने जिस चीज पर भरोसा किया था वो सामने नहीं है, और जो जात सामने है उसकी वफादारी नहीं किया था, इसीलिए उनकी आस टूट जाएगी। तो युबलिसु आस तोड़ बैठेंगे मुजरिम। वलम यकुल लहुम मिन शुरका, और नहीं होगा उनके लिए उनके शरीकों में से। शुफा शफी की जमा है, शुफा शफी की जमा है, जिसके माने सिफारिश करने वाला। जिन जिन को वो शरीक समझते रहे, उनके शरीकों में से कोई सिफारिश करने वाला नहीं होगा। कायनात में सजदागाहें कितनी हैं आप गिन सकते? इन तमाम सजदागाहों को जिन जिन को लोग खुदा का शरीक समझते हैं, अल्लाह फरमाते हैं इस आयत में, तो उनके कोई शरीक में सिफारिश करने की मजाल नहीं होगा। वलम यकुल लहुम, और नहीं होगा उनके लिए मिन शुरकाइहिम, उनके शरीकों में से शुफा कोई शफी, कोई सिफारिश करने वाला नहीं होगा। सिर्फ यही नहीं कि सिफारिश करने वाला कोई नहीं होगा, उल्टा ये लोग जिनकी सिफारिश की उम्मीद थी, जिनकी परस्तिश करते थे, जिनको शरीक मानते थे, अब उनकी सिफारिश का भी इनकार करेंगे। वहम वकानु बिशुरकाइहिम काफिरीन, और वो हो जाएंगे अपने शुरका से इनकार करने वाले। मुशरिक कहेगा अल्लाह तेरी कसम हम मुशरिक नहीं थे, वल्लाहि रब्बिना मा कुन्ना मुशरिकीन, सूरह अनआम में आयत आ चुकी। मुशरिक भी कहेगा कि अल्लाह तेरी कसम हम मुशरिक नहीं थे। तो ये जितने भी शिर्क करने वाले हैं अपने शुरका से इनकार कर बैठेंगे, उनसे भी मुतनफिर हो जाएंगे, उनसे बागी हो जाएंगे। एक ग्रोह का ये तस्करा हुआ। दूसरा वयौमा तक़ूमु अस्साअ, और जिस दिन क़यामत कायम होगी। दूसरी बार जुमला आया, पहली बार आया सिफारिशी नहीं होंगे, दूसरी बार क्यों लाया गया? कि लोग जब क़यामत कायम होगी, यौमयज़िन उस दिन, तफर्रकून मुतफर्रिक होंगे। कुछ एक ग्रोह बनाकर वफादारों के साथ जाएंगे, और कुछ लोग गद्दारों के साथ रहेंगे। ये तफर्रकून के माने मुतफर्रिक होंगे, मुतफर्रिक उर्दू में इस्तेमाल है। ये तफर्रकून के माने अलग अलग होंगे, किस्म किस्म पर होंगे। कुछ लोगों का ईमान मजबूत होगा, हिसाब के बगैर जन्नत में जाएंगे। कुछ का हिसाब कमजोर होगा, क्योंकि गुनाह भी किए होंगे। ईमान के साथ अमल साले भी होगा और गुनाह भी होगा, खल्त मल्त कर रखा होगा दोनों चीजों को, उनका हिसाब किताब होगा। कुछ हैं जिनके पास शिर्क ही शिर्क है, कुफ्र ही कुफ्र है, चाहे जितने वो अच्छे अमाल कर लेंगे उनका हिसाब ही नहीं होगा, उनको सीधा जान में डाल दिया जाएगा। तो मुतफर्रिक होंगे, किस्म किस्म के लोग होंगे। तकसीम कैसे होगी? कायनात में कितने किस्म के लोग हैं? क्या इतने ग्रोह बनाए जाएंगे? फरमाया नहीं, दो ग्रोह, एक मोमिन एक काफिर, बस। दुनिया में जितने भी इंसान हैं, अलग अलग जमातें हैं, अलग अलग फिरके हैं, अलग अलग ग्रोह हैं, लेकिन कयामत में इनकी दो ग्रोह बनाए जाएंगे, एक मोमिन एक काफिर, एक वफादार एक गद्दार, एक अमल सालेह करने वाले एक खराब अमल करने वाले, दो ग्रोह बनाए जाएंगे। देखो लोग सुन, فَأَمَّا الَّذِينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ, پس بہرحال وہ لوگ جو ایمان لائے, وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ, اور بھلے کام کیے, فَهُمْ, پس وہ لوگ ہوں گے, فِي رَوْضَةٍ, روضہ کے معنی باغات, روضہ چمن, رے واو زواد ہے روضہ, روضہ کے معنی آتے ہیں چمن کے, یخبرون, جہاں ان کی آؤ بھگت ہوگی۔ تو ایمان عمل صالح والے کہاں ہوں گے؟ چمنستان میں ہوں گے, روضے میں ہوں گے۔
और वहां इनकी आओ भगत होगी। युखबरून हिब्रून से बना, जिसके माने सुरूर और खुशी के आते हैं। जब इंसान की आवभगत की जाती है, उनको अच्छी नेमतें पेश की जाती हैं, खुशी का मौका मिलता है, तो वो सुरूर शादमाने में होते हैं। तो जन्नत के बागों में ये आवभगत की जाएगी, यानी मसरूर होंगे। ये तर्जमा युखबरून का, सर के सर सुरूर में होंगे, खुशियों में होंगे, उनकी आवभगत होगी। ये कौन है? ईमान अमल सालिह, दो बातें, एक ग्रोह। दूसरा ग्रोह किसका होगा? वह अम्मल्लज़ीना कफरू, और बहरहाल जिन्होंने कुफर किया, वह कज़्ज़बू बिआयातिना, और झुटलाया हमारी आयतों को, वह लिक़ाइल आखिरा, और आखिरत की मुलाकात को, लिक़ा लिक़ा माने मुलाकात, लिक़ाइल आखिरा आखिरत की मुलाकात, पिछले घर की मुलाकात को झुटलाया। तो तीन जुर्म है, एक कुफर, दूसरे आयतों की तकज़ीब, और तीसरे आखिरत की मुलाकात का इनकार। तीन जुर्म है, ये कहा होंगे? फ़ौलाइका फ़िल अज़ाब, बस ये लोग अजाब में होंगे। मुहज़रून, हाजिर किए हुए लाए जाएंगे, पकड़ कर लाए जाएंगे। मुहज़रून मफ़ऊल है हज़रा हाजिर से, तो मुहज़र के माने जिसको जबरदस्ती हाजिर किया जाए, यानी पकड़ के लाए जाएंगे। ये पकड़ के लाए क्यों जाएंगे, पकड़े हुए क्यों आएंगे? तीन जुर्म है, अल्लाह के जात और सिफात का इनकार, जिसका नाम कुफर है, और आयतों की तकजीब, और तीसरी चीज है आखिरत की मुलाकात का इनकार करना। तीन जुर्म हो गए, इन तीनों जुर्मों की वजह से वह अजाब के अंदर पकड़े लाए जाएंगे। तो कायनात में चाहे जितने गरोह बन जाएं, लेकिन अल्लाह के पास योम हिसाब में कितने गरोह होंगे? सिर्फ दो गरोह, एक मोमिन, उसका अपोजिट काफिर, एक अमल सालेह, उसका मुकाबिल आयतों की तकजीब और आखिरत का भुला देना। कितने मुसलमान इस वक्त हैं जो अपने मुलाकात आखिरत की जानते हैं कि हमारी मुलाकात आखिरत में होने वाली है? उनको गफलत छाई हुई, उनको इसका एहसास नहीं है कि ये हमारी एक मंजिल है जिस दुनिया में हम हैं, हमें इसके बाद, इस मंजिल के बाद हमें अल्लाह से मुलाकात करना है, और अल्लाह उस बंदे से मुलाकात करने को खुशी महसूस करते हैं जब बंदा अल्लाह से मिलने के वास्ते बेताब होता है। यहाँ उसी का तस्करा किया। अब दो बातें साबित हो गई, एक तो ये हो गई कि गरोह दो ही हैं, मोमिन और काफिर, लिहाजा जो मोमिन से ज्यादा करीब है मोमिन में शुमार होगा, और जो कुफर में ज्यादा शुमार है वो काफिर में शुमार किया जाएगा। इसलिए मोमिन के सिफात अपनाना जरूरी है, आधे ईमान के सिफात आधे कुफर के सिफात, ये अच्छी चीज नहीं है। अल्लाह को मानना है, अल्लाह के नबी को मानना है, अल्लाह की किताब को मानना है, तो कामिल तरीके से मानना, एक आयत का इनकार भी सारी आयतों के इनकार के बराबर है। अल्लाह रसूल का एक हुक्म जानबूझ के ठुकरा देना सारे अहकाम ठुकराने के बराबर है। इसलिए फरमाया कि अब दो ही गरोह होंगे, ईमान अमल सालेह वाले बड़े ही चमनिस्तान में होंगे, आओ भगत हो रही होगी, और कुफर और तकजीब वाले, हमारी मुलाकात और आखिरत से इनकार करने वाले अजाब में पकड़े जाएंगे। फसुबहानअल्लाह हीन तुमसूना व हीन तुसबिहून व लहुल हम्दु फिस्समावाती वल अर्दी व अशिय्यन व हीन तुज़हिरून يخرج الحي من الميت ويخرج الميت من الحي ويحيي الأرض بعد موتها وكذلك تخرجون। इन तीन आयतों में तस्बीह बयान करने का हुक्म दिया अल्लाह ने, तीन आयतें, अल्लाह की तस्बीह बयान करो। फसुबहान अल्लाह, पस पाक है अल्लाह की ज़ात। सुबहान अल्लाह इसमें एक फेल पोशीदा है, सब्बहुल्लाह सुबहानन, अल्लाह की तस्बीह बयान करो, खूब तस्बीह बयान करना, यानी अल्लाह की जात को हर आयब से पाक मानना, ये तस्बीह है। जब बंदा कहता है सुबहान अल्लाह तो क्या माने? सुबहान अल्लाह का मतलब ये होता, मैं अल्लाह के जात की तस्बीह बयान करता हूँ कि वो हर आयब से पाक है और हर खूबियों से मुत्तसिफ है।
जितनी खूबियां हैं उन तमाम से वो मुत्तसिफ है और जितनी बुराइयां हैं उन तमाम से वो मुनज्जा और मुबर्रा है। ये है सुभान अल्लाह। अल्लाह फरमाते हैं सुभान अल्लाह, बस अल्लाह की तस्बीह बयान करो। हीना तुम सोना वहीना तस्बिहूना, जिस वक्त तुम शाम करते हो। तुम सून मसा कहते हैं शाम को, मीम सीन अलिफ मसा, मसाई मदरसा शाम के मदरसे को कहा जाता है और सबाही मदरसा सुबह को कहा जाता है, तो मसा इसी से बना है। तुम सून जिस वक्त तुम शाम करते हो, इससे मुराद असर की नमाज है। असर की नमाज सबसे पहले जिक्र असर की नमाज का हो रहा है, यहाँ पांचों नमाजों का जिक्र है। हजरत अब्दुल्लाह इब्न अब्बास फरमाते थे कुरान करीम की पांच नमाजों का जिक्र है तो यही है, वो यही जिक्र फरमाते थे उनके औकात के साथ। उन तमाम में सबसे पहला जिक्र किसका है? तुम सूना, शाम के वक्त। असर का मुराद है यहाँ वक्त मसा। मसा कहते हैं दिन गुरूब होने से पहले जवाल के बाद का वक्त, जिसमें जोहर और असर दोनों है, लेकिन चूंकि जोहर का जिक्र अलग से आ रहा है इस वास्ते इससे मुराद सिर्फ असर ली गई। तुम असर की नमाज के मौके पर अल्लाह की तस्बीह बयान करो। हजरत अब्दुल्लाह इब्न अब्बास फरमाते थे कि यहाँ पांचों नमाजों के औकात अल्लाह ने बता दिया है। तस्बीह करना, अल्लाह की पाकी बयान करना, पूरी नमाज यही है। नमाज में आप क्या पढ़ते हैं? आप जितने अल्फाज पढ़ते हैं सब पर गौर कर लो, या तो अल्लाह की किबरियाई होगी, अल्लाह की पाकी होगी, अल्लाह की तारीफ होगी, अल्लाह का जलाल होगा, अल्लाह से माफी होगी, ये है असल तस्बीह। आप सना पढ़ते हैं सुभानक अल्लाहुम्मा, सुभान से शुरू होती है ये फसबी हो गई, तस्बीह बयान कर सुभानक अल्लाहुम्मा व बिहमदिका, ये तस्बीह यहाँ शुरू होती है। सूरह फातिहा में भी अल्लाह की हमद है, सना है, बुजुर्गी है, हिदायत की तलब है। उसके बाद आप तस्बीहात पढ़ते हैं, चाहे सजदे की हो चाहे रुकू की हो, सुभान रब्बियल अजीम, सुभान रब्बियल आला, दोनों में सुभान है, अल्लाह की तस्बीह। अत्तहियातुलिल्लाह, ये अल्लाह के लिए पाकीज़ा कलिमात है, ये भी अल्लाह की तस्बीह। तो पूरी नमाज में आप गौर कर लें, या तो अपने लिए माफी है या अल्लाह की तस्बीह और बड़ाई सुलझाई का जिक्र है। तो इसके लिए सबसे अहम वक्त क्या बताया? असर की नमाज। तुम सुना, इसीलिए कुरान करीम के दूसरे मकामात पर आया है हाफिज़ु अस्सलावात वस्सलातिल वुस्ता, तमाम नमाजों की मुहाफ़ज़त करो, खास तौर से बीच की नमाज। और उससे मुराद अक्सर मुफस्सिरीन कहते हैं कि असर की नमाज मुराद है, क्योंकि वो वक्त गफलत का है, कारोबार का है, दुनिया की मशगूलियत का है, दिन खत्म हो रहा है, रात आ रही है, सारे काम समेटने के चक्कर में इंसान होता है, चाहे वो कारोबार करने वाला हो या खेती करने वाला हो, सब चाहते हैं कि अब शाम हो रही जल्दी कारोबार से बैठो, गफलत हो जाती है। तो पहला हुक्म दिया हीना तुम सुना, जिस वक्त तुम शाम करो, वहीना तुस्बिहून, और जिस वक्त तुम सुबह करो, तुस्बिहून सुबह, इस मुराद फजर की नमाज हो, यहां भी तस्बीह बयान करना। वलहुल हम्दु फिस समावाति वल अर्दी वअशिय्यन वहीना तुज़हिरून, यहाँ दरमियान में अल्लाह की हमद आई ताकि मालूम हो जाए कि तस्बीह क्यों की जाए, तस्बीह किसकी की जाए, तस्बीह का मकसद क्या है। तो दरमियान में उसकी इल्लत की खातिर फरमाया वलहुल हम्द, उसी की तारीफ है, इस समावात आसमानों में, वल अर्द और जमीन में, जमीन और आसमान में किसकी तारीफ है? अल्लाह। जितनी खूबियाँ बयान की जाती हैं सरदर हकीकत किसकी खूबी है? अल्लाह। उसकी तफसील सूरह फातिहा में आ चुकी है अल्हम्दुलिल्लाह में, यहाँ उसी को उलट दिया वलहुल हम्द, उसी के लिए हम्द है, वहां क्या कहा? अल्हम्दुलिल्लाह, हम्द अल्लाह के लिए। आप तारीफ करते हैं सूरज की, तो सूरज बनाया किसने? अल्लाह ने। तारीफ किसकी हुई? अल्लाह की। आपने कहा चांद बहुत खूबसूरत है, तो चांद किसने बनाया? अल्लाह ने। तो चांद की खूबी से खूबी अल्लाह की हुई। आपने किसी हसीन की तारीफ किया, उसको हुस्न किसने दिया? अल्लाह ने। तो अल्लाह की तारीफ हुई। आपने कहा बहुत बेहतरीन खुशगवार हवा चलती है, तो हवा किसने भेजा? अल्लाह ने। तारीफ अल्लाह की हुई। तो जमीन और आसमान में कोई किसी की तारीफ कर ले, क्योंकि हर खूबी का पैदा करने वाला वो है, तारीफ उसी की तरफ लौटेगी। यही यहाँ कहा गया वलहुल हम्दु फिस समावात वल अर्ज़,
उसी की खूबी है आसमानों में और जमीन में। ये रीजन बयान किया कि उनकी नमाज, उनकी तस्वीर शाम में क्यों हो, सुबह में क्यों हो, इल्लत बयान किया। इल्लत समझ में आने के बाद सिर्फ हमारा वह आशियन और पिछले वक्त, अशियन और पिछले वक्त। अशी से मुराद कौन सा लफ्ज है? अशी अक्सर बेशतर लोग कहते हैं यहां अशी ऐशा से नहीं है। अशियन यहां पर मुराद मगरिब का वक्त है और ऊपर जो तमसून आया है उससे मुराद असर का वक्त है। और बाद ने यह कहा है कि अशियन से मुराद मगरिब का वक्त है और तमसूना से मुराद असर का वक्त है। वहीना तुज़हिरून, और जिस वक्त तुम जोहर के मौके पर नमाज पढ़ते हो। तुज़हिरून जोहर से, जोहर में, जोहर को जोहर कहते क्यों है? जहर कहते हैं पीठ को, बीचों बीच में होती। और जोहर को जो उसका नाम है ठीक दोपहर होता है, दिन का आधा उधर दिन का आधा इधर बीचों बीच होता है तो उसको जोहर कहते हैं। तो तज़हरून तुज़हिरून जिसके माने आते हैं जब ठीक दोपहर हो उस मौके पर तुम जो नमाज पढ़ते हो जिसका नाम जोहर। तो जोहर की नमाज, असर की नमाज, सुबह की नमाज, मगरिब की नमाज, चार नमाजें आ गईं। अब बची पांचवी नमाज जिसका नाम ईशा है। अगर यहाँ अशियन से ईशा मुराद नहीं है तो दूसरी आयत लाते हैं, मिम्बादी सलातिल ईशा, सूरह नूर पर 18 में आ चुका है, मिम्बादी सलातिल ईशा, ईशा की नमाज के बाद। तो इससे मालूम यह हुआ कि पांचों नमाजों का जिक्र कुरान में खुद मौजूद है। अलबत्ता उसके औकात का तायुन करने के लिए नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने सिखलाया और उनके पास अल्लाह ने जिब्रील को भेजा। जिब्रील ने नमाज का अव्वल वक्त एक दिन सिखाया और नमाज का आखिरी वक्त, इंतहाई वक्त एक दिन सिखाया और फरमाया कि इन दोनों के बीच में नमाज पढ़ना। तो जिब्रील ने खुद आकर नबी को नमाज के औकात बताए, नमाज को पढ़ के बताया अव्वल वक्त में और आखिरी वक्त में कि इनके बीच का वक्त नमाज के लिए है। तो ये तस्बीह है, यहाँ नमाज का जिक्र नहीं है, तस्बीह का जिक्र है। तो हर तस्बीह दाखिल है, किसी किस्म की तस्बीह हो, सुभान अल्लाह, अल्लाहु अकबर, जब हर किस्म की तस्बीह शामिल है तो तस्बीहात में सबसे उम्दा और सबसे उम्दा जिक्र क्या है? वो नमाज है। इसलिए तमाम तस्बीहात में नमाज भी दाखिल है क्योंकि नमाज तस्बीहात का आला दर्जे का मुरक्कब है। अब अल्लाह की शान में अल्लाह खुद बयान करते हैं कि बता दो कायनात में कोई है जिसमें यह खूबियां हों। नंबर एक, يخرج الحي من الميت, निकालता है वो जिंदे को मुर्दे से। ويخرج الميت من الحي, और निकालता है मुर्दे को जिंदे से। ويحيي الأرض بعد موتها, और जिंदा करता है जमीन को उसके मर चुकने के बाद। وكذلك تخرجون, और इसी तरह तुम भी निकाले जाओगे। इस एक आयत में तमसील और जो है तशबीह भी है और उसमें इल्लत भी है। क्या फरमाया? युखरिजुल हय्य मिनल मय्यित, मुर्दे से जिंदे को निकालता है। अब आप सोचते होंगे कि मुर्दा से जिंदा कैसे निकालता? अंडा मुर्दा है मगर उससे जब मुर्गी का बच्चा निकलता है तो वो जिंदा निकलता है। तो मुर्दे से जिंदा निकालना ये किसकी शान है? ये अल्लाह की शान है। नुतफे से इंसान बनाना अल्लाह की शान है। गुठली से दरख्त को बनाना ये अल्लाह की शान है। कायनात में कोई दावेदार नहीं है कि वो मुर्गी के अंडे से मुर्गी बना सकता है। कायनात में ये सब अल्लाह की करिश्मे है। इसलिए फरमाया इखरजुल हय्य मिनल मय्यित, वो निकालता है जिंदे को मुर्दे से। वयुखरजुल मय्यित मिनल हय्य, और मुर्दे को निकालता है जिंदे से, यानी अंडे को निकालता है मुर्गी से और नुस्खे से निकालता है इंसान को, इंसान से निकालता है नुस्खे को। ये अल्लाह की कुदरत है। तो मुर्दे को जिंदे से निकालना ये अल्लाह की शान है। इससे क्या मालूम हुआ? वो मुर्दे को जिंदा भी करने पर कादिर है और जिंदे को मुर्दा करने पर कादिर है। जब मुर्दे से जिंदे को निकालता है तो मुर्दे को जिंदा भी कर सकता है। ये असल तमसील है, जिंदे को निकालता है मुर्दे से और मुर्दे को निकालता है जिंदे से। जब मुर्दे से एक जुज को जिंदा करके निकालता है तो पूरे मुर्दे को जिंदा क्यों नहीं कर सकता? ये तशबीह है। इसलिए आगे फरमाया
وَيُحْيِي الْأَرْضَ بَعْدَ مَوْتِهَا, اور زمین کو اس کے مر چکنے کے بعد پانی برسا کر زندہ کر دیتے. یہ کئی مقام پہ تفصیل آ چکی ہے, اسی واسطے یہاں صرف اشارہ ہو اس کی طرف. مثلاً بارش, تم کبھی دیکھتے ہو بارش نہ ہونے سے زمین خشک پڑی ہے, اس میں قوت نمو نہیں, کوئی چیز پیدا کرنے کی صلاحیت نہیں. ایسا معلوم ہوتا ہے کہ زمین بالکل مردہ ہے, اس میں جان ہی نہیں. لیکن جب اس پر آب حیات برستا ہے تو جہاں دیکھو وہاں آج موسم ہے, گھاس ہی گھاس نکلتی ہے, زمین سے سبزہ نکلتا. پانی کو برسا کر اللہ نے مردہ زمین کو زندہ کر دیا. ایک مردہ زمین کو زندہ کر سکتا ہے تو زمین کے اندر سے جو مردے زندہ تھے پہلے ان کو پھر زندہ کرنا کیا مشکل. اس لیے آگے فرمایا وَكَذَلِكَ تُخْرَجُونَ, اور اسی طرح تم نکالے جاؤ گے. جس طرح سے ہم نے مردے کو زندہ نکالا ہے اور زندے سے مردہ نکالا ہے اور مردہ زمین کو پانی برسا کر زندہ کیا ہے, ٹھیک ایسے ہی تم کو زمین سے نکالا جائے گا. تُخْرَجُونَ, زمین سے نہیں کہا, بس تم بھی نکالے جاؤ گے. مچھلی کے پیٹ میں ہو یا دریا میں ڈال دیے گئے ہو, مچھلی نے کھا لیا ہے, جلا کر راکھ کر دیا گیا ہے, اڑا کر پھینک دیا گیا ہے, اس واسطے نہیں کہا کہ تم نکالے جاؤ گے. زمین سے نکالے جاؤ گے تم کہاں بھی ہو. وَكَذَلِكَ تُخْرَجُونَ, تم کو اسی طرح نکالا جائے گا, تم نکالے جاؤ گے. یہ دعویٰ ہے اللہ کی طرف سے. کائنات میں بلا شرکت غیر آج کوئی دعوے دار نہیں ہے کہ مردے سے زندہ اور زندے سے مردہ کرنا اس کی طاقت ہے. مردہ زمین کو زندہ کرنا کسی کے بس کی بات ہے, یہ اللہ نے قدرت کا مظاہرہ فرمایا ہے. یہاں سے یہ بات معلوم ہو گئی کہ اللہ تعالیٰ جب دوبارہ زندہ کرنے پر قادر ہیں تو تسبیح کے لائق وہی ہیں. جب تک ہماری حیات ہے انہی کے حکم سے ہے, جب حیات ختم ہوگی تو اسی کے حکم سے ہوگی. اس لیے جب تک حیات ہے صبح شام اللہ کی تسبیح کریں. ان پانچوں اوقات میں جن کا یہاں ذکر کیا گیا ہے, جو پانچ نمازیں خاص طور سے, تو اصل نماز میں کیا ہے؟ اللہ کی یاد. ہم لوگ سمجھتے ہیں نماز رکو سجدے کا نام ہے, اکثر لوگ دیکھا دیکھی پڑھ لیتے ہیں, ان کو دیکھ کے ان کو دیکھ. اللہ نے قرآن کریم میں نماز کی علت کو بیان کیا ہے کئی آیتوں میں, اس میں سے ایک آیت سناتا ہوں میں آپ کو. فرمایا اقیم الصلاۃ لذکری, نماز کو قائم کرو میری یاد کے لیے. اب جو تسبیح ہے رکوع اور سجدے کی, اس میں اصل علت کیا ہے؟ اللہ کو یاد کرنا. تسبیح جو ہم سجدے میں کریں تو اللہ کی بلندی کا اظہار, سبحان ربی الاعلیٰ, یہ زبان سے جب کہیں گے تو یاد ہے. کیونکہ زبان سے کہنے والا اگر غافل نہیں ہے تو زبان جب چلتی ہے تو دل اس کی طرف متوجہ ہوتا ہے. لیکن اگر کوئی انسان ہزیان میں ہے اور بغیر دل کو مائل کیے ہوئے کچھ کہہ رہا ہے, جیسے آج کل نمازوں میں لوگ کھجاتے رہتے, کھڑے رہتے, ان کو ان کو دیکھتے رہتے, جو پڑھنا ہے پڑھ دیتے, بعض وقت کھڑے رہ جاتے, تو اصل جو نماز کا مقصد ہے وہ اللہ کی یاد کو قائم کرنا ہے, اور یہ تسبیحات سے قائم ہوتا ہے. پوری نماز جب تک ہم نماز میں ہیں اللہ کے سامنے ہیں اللہ کو یاد کرنے کے لیے, نماز اللہ کو یاد دلاتی ہے. جب تک نمازوں میں اللہ کی یاد غالب نہ ہو تب تک یہ نماز ہماری بے جان حرکت ہے. بہت سے لوگ دیکھا دیکھی کرتے ہیں. پورے اہتمام کا مطلب یہ ہے آپ لفظوں پر غور کریں, سوچیں. نماز میں ہم اللہ کے سامنے ہوتے ہیں, ادب سے کھڑے. اکثر و بیشتر لوگوں کو دیکھتا ہوں کہ نمازوں میں بے ڈھنگ طریقے سے کھڑے ہو جاتے, نہ ان کے بال صحیح ہوتے, نہ ان کپڑا صحیح ہوتا, نہ وہ آستین گراتے. یہ دماغ میں رہتا ہی نہیں کہ میں اللہ کے سامنے کھڑا ہوں, مجھے اللہ دیکھ رہے ہیں, کہیں میں گستاخی میں شمار نہ کر لیا جاؤں. اللہ کے سامنے میرے پاؤں کیسے ہیں, میرا جسم کیسا ہے, میرا ہاتھ کیسا ہے, میری توجہ کیسی ہے. اگر میں اللہ کے سامنے کھڑا ہوں اور میری توجہ دائیں بائیں ہیں تو نماز میں جو تسبیح ہے اللہ کی یاد قائم کرنے کے لیے وہ تو فوت ہو گئی, اصل نماز ختم ہو گئی. اسی لیے اصل نماز یہ ہے کہ ہم اللہ کے سامنے اس دھن میں کھڑے ہوں کہ میں اپنے مالک کو دیکھ رہا ہوں اور مالک کم سے کم مجھے ضرور دیکھ رہے ہیں. اسی لیے ادب کے ساتھ کھڑا ہوں, ادب کے ساتھ جھکنا, ادب کے ساتھ قائم ہونا, پوری نماز کو اطمینان کے ساتھ ادا کرنا چاہیے. ایک حدیث سنا کر بات پوری کروں گا, صرف ایک حدیث, وقت ہو چکا ہے. حدیث کیا ہے؟ یہ حدیث آپ بھی بار بار سنائیے. بخاری میں ایک واقعہ آیا,
सहाबा की महफिल में नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तशरीफ फरमा है कुछ सुना रहे हैं। एक सहाबी ने कहा कि चलो जल्दी जल्दी नमाज पढ़ लें और नबी की महफिल में शरीक हो जाएंगे। उन्होंने नमाज को पढ़कर आकर नमाज में फरागत के बाद शिरकत की महफिल में। नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उनको देखा कि वो नमाज में जल्दी जल्दी कर रहे हैं। जब आपने देखा तो पूछा, जाओ तुमने नमाज फिर से पढ़ो, नमाज नहीं पढ़ी तुमने, कौन फसल ली फैन न कलम तो सल, जाओ जाके फिर से नमाज पढ़ो। सोचो, हमसे ज्यादा तेज नमाज सहाबी ने नहीं पढ़ा होगा, लेकिन फिर भी हुजूर पाक ने उनको कहा जाओ फिर से पढ़ो। चले गए पढ़ने, पढ़ के आने के बाद जब फिर बैठे महफिल में तो आपने फिर वही कहा, कौम खड़े हो जाओ, तसल्ली जाके नमाज पढ़ो, फैन न कलम तो सल, तुमने नमाज नहीं पढ़ी। दो नमाज पढ़ाया, फिर जब आगे बैठे नमाज पढ़ने के बाद तो फिर आपने ही कहा तीसरी बार, कौम तसल्ली फैन न कलम तो सल, वो एक बार दो बार तीन बार नमाज पढ़ा उन्होंने, एक नमाज को तीन बार पढ़ा और तीनों बार हुजूर के हुक्म से पढ़ा। चौथी बार जब हुजूर ने कहा फिर से जाके पढ़ो तो उन्होंने कहा अल्लाह के नबी मैं माजूर हूं, मुझे जैसी आती थी मैं वैसी पढ़ लिया हूं, अब मैं इससे अच्छी पढ़ने पर कादिर नहीं हूं, मुझे आप सिखा दीजिए, अल्लिमनी या रसूलल्लाह, मुझको सिखा दीजिए कि मैं कैसे पढ़ू। नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उनको नमाज का पूरा तरीका सिखाया। उसमें ये नहीं कहा कि तुम ये करो जिन पे हम आज लड़ रहे हैं, उनमें से एक बात भी नहीं, जितने मसायल पर हम झगड़ा कर रहे हैं उनमें से एक मतलब भी नहीं है कि हुजूर ने दोहरवाया था। क्यों दोहरवाया था? सिर्फ एक वजह, और वो ये थी कि उनकी नमाज में इत्मीनान नहीं था, जल्दबाजी थी, बस एक ही चीज। हुजूर ने कहा जब तुम खड़े हो तो रुकू में ना जाओ, हत्ता तत्मईन काइमन, जब तक इत्मीनान से खड़े ना हो जाओ, और जब तुम रुकू में जाओ तो रुकू से ना उठो जब तक कि तुम्हारा रुकू इत्मीनान से अदा ना हो जाए, हत्ता तत्मईन राकिअन, और जब तुम रुकू से खड़े हो जाओ तो सजदे में ना जाओ जब तक कि तुम इत्मीनान से कौमा ना कर लो, जब तुम सजदे से उठो तो दोबारा सजदे को ना जाओ जब तक तुम अच्छी तरह बैठ ना जाओ, हत्ता तत्मईन्ना साजिदन, हत्ता तत्मईन्ना जानितन, एक लफ्ज याद रखो, तत्मईन्ना तत्मईन्ना, हर रुकन में क्या है तत्मईन्ना। इत्मीनान की कमी देखकर हुजूर ने नमाज को तीन मरतबा पढ़वाया। आज हमारी नमाज कितनी जल्दी जल्दी होती है, कैसे अल्फाज अदा करते हैं हम, अगर रसूलुल्लाह हमारे सामने हो तो हमारी नमाज रोज की फिर से पढ़वाई जाएगी। तो गोया फिर से नमाज पढ़ाने का मतलब क्या हुआ, ये नमाज अदा तो हो गई लेकिन मकबूल नहीं होगी, अल्लाह को पसंद नहीं आएगी। दर्जे ने कपड़ा सिल दिया तो कपड़ा आपको पसंद नहीं आया तो क्या करते हैं, मुंह पे फेंक के मार देते, कपड़ा तो सिल गया लेकिन पसंद नहीं आया तो फेंक के मुंह पे मार देते। जो नमाज अल्लाह को पसंद नहीं आएगी मुंह पे फेंक के मार दी जाएगी। तो नमाज तो हमारी हो रही है लेकिन नमाज को पसंद ना आना। इस हदीस से ये अखद किया है फुकहा ने, नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इस सूरत में सूरह फातिहा को पढ़ना जरूरी करार नहीं दिया, बल्कि फरमाया फकरऊ मा तयस्सर मिनल कुरान, ये बुखारी की रिवायत किताबुस सलात में, तुम्हें जो भी कुरान में से याद हो आसानी से पढ़ लो। इसलिए सूरह फातिहा का पढ़ना वाजिब है लेकिन उसका पढ़ना फर्ज नहीं है, बल्कि पूरे कुरान में से कहीं से पढ़ लिया तो फर्ज अदा हो जाएगा, अलबत्ता वाजिब को तर्क करने की बिना पर नमाज नाकिस होगी। तो सूरह फातिहा पढ़ना वाजिब और पूरे कुरान करीम में से कहीं से भी तीन आयतें पढ़ना फर्ज, या एक आयत हो जो बराबर हो तीन आयतों की। तो नमाज में अहम चीज क्या है, इत्मीनान, इत्मीनान से अपने मालिक की तस्बीह हो, ये यहां मुराद है, तब जाके बंदे को एहसास होगा कि इस याद में हमें अल्लाह की याद किस तरह करनी चाहिए, ये तफसीर है। तो पूरे आयतों का हासिल क्या निकला, जिस तरह से अल्लाह ने तखलीक में इब्तिदा की है दोबारा यादा भी करेंगे, उन्हीं के पास सबको लौट कर जाना है, और जब ये कयामत कायम हो जाएगी तो मजरे माइल हो जाएंगे,
और उनके जितने शुरका हैं एक शरीक भी उनका सिफारिश करने के हक में नहीं होगा, और बल्कि ये लोग खुद अपने शुरका से मुनकिर हो जाएंगे। और जब कयामत कायम होगी तो लोग मुतफर्रिक हो जाएंगे। जो ईमान अमल सालेह करने वाले हैं ये चमनिस्तान में होंगे जिनकी आवभगत की जाएगी, और जो काफिर हैं अल्लाह की आयतों की तकजीब करते हैं आखिरत की मुलाकात का इनकार करते हैं वो अज़ाब में पकड़ के लाए जाएंगे। बस अल्लाह की तस्बीह है जिस वक्त तुम शाम करो, जिस वक्त तुम सुबह करो, और उसी की तारीफ है आसमानों में और ज़मीन में और पिछले अवकात में, और ठीक दोपहर में वो निकालते हैं जिंदे को मुर्दे से और निकालते हैं मुर्दे को जिंदे से और जिंदा करते हैं जमीन को उसके मर चुकने के बाद। ऐसे ही तुम बरामद किए जाओगे। तुमको अल्लाह की कुदरत पर शक करने के बजाय उसका यकीन करना चाहिए। यहाँ तक बात मुकम्मल हो गई। अल्हम्दुलिल्लाह रुकू तमाम हुआ। आयत नंबर 20 से फिर नया रुकू शुरू हो रहा है। दुआ कर लीजिए।